ड्रीम इलेवन में विनिंग पर कितना टैक्स करता है? आपके मन में भी ये क्वेश्चन है कि किसी दिन आप ग्रैंड लीग को विन करते हो या फिर आप कोई बड़ा अमाउंट विन करते हो तो यहाँ पर ड्रीम इलेवन में कितना टैक्स कटेगा? तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना और मैं यहाँ पर आपको लाइव प्रूफ के थ्रू यानी कि ड्रीम इलेवन के अंदर मैं आपको खुद लाइव प्रूफ के थ्रू बताऊंगा कि यहाँ पर ड्रीम इलेवन में कितना टैक्स कटता है। नॉर्मली जब भी आप ड्रीम इलेवन खेलते हो, ड्रीम इलेवन के अंदर आप क्या करते हो, छोटे कॉन्टेस्ट खेलते हो, तो छोटे कॉन्टेस्ट के अंदर कोई भी टैक्स या टीडीएस कट नहीं होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप बड़े कॉन्टेस्ट खेलते हो यानी कि ग्रैंड लीग खेलते हो, तो ग्रैंड लीग के अंदर क्या होता है कि आप कभी ग्रैंड लीग को विन कर लेते हो, तो जब भी आप ग्रैंड लीग को विन करते हो तो एक जो बड़ा अमाउंट आप विन करते हो उस विनिंग अमाउंट का एक परसेंटेज ड्रीम इलेवन टैक्स के रूप में कट कर लेता है। और जो अमाउंट कट होता है वो कट होने के बाद क्या होता है, वो अमाउंट आपके वॉलेट में आ जाता है, मतलब जो बचा हुआ अमाउंट होता है वो आपको मिल जाता है और उस अमाउंट को आप विड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो आप विड्रॉ करोगे तब भी टैक्स कटेगा क्या? तो यहाँ पर कोई भी विड्रॉ के टाइम पे टैक्स नहीं होता, जो टैक्स होता है वो पहले ही कट हो जाता है जब आप विन करते हो। तो जब भी आप विड्रॉ करते हो तब कोई भी टैक्स कट नहीं होता और ना ही कोई एडिशनल चार्ज होता है। और आपको पता है कि मिनिमम 100 रुपीज भी आप ड्रीम इलेवन के अंदर विड्रॉ कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि टैक्स कब कटता है? तो यहाँ पर क्या होता है कि 10,000 रुपए का जब आपका नेट प्रॉफिट होता है उससे ज्यादा यानी कि 10,000 रुपए से ज्यादा का नेट प्रॉफिट होगा तब यहाँ पर ड्रीम इलेवन के अंदर टैक्स कटेगा। तो ऐसा कब होता है कि मान लो कि आपने कोई भी 3,000 रुपए का कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया जिसके अंदर आपने 10,000 रुपए का विन किया, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो नेट प्रॉफिट होगा वो 7,000 रुपए होगा, यानी कि आपने 3,000 रुपए जो ज्वाइन किए वो विनिंग में से कट हो जाएंगे। अब आपका नेट प्रॉफिट जो होगा अब निकलेगा, यानी कि 10,000 - 3,000 = 7,000, यानी कि यहाँ पे 7,000 रुपए आपका नेट प्रॉफिट हुआ, तो इस पे कोई भी टैक्स नहीं हुआ है। लेकिन जब अमाउंट बड़ा होता है, मान लो कि 3,000 आपने ज्वाइन किया और 20,000 रुपए यहाँ पर आपका मतलब विनिंग अमाउंट हुआ, अब उसमें से क्या होगा 20,000 - 3,000 आपका जो नेट प्रॉफिट होता है वो 17,000 रुपए होता है, तो यहाँ पर आपका जो 17,000 रुपए होगा उस पर आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर मैं ड्रीम इलेवन के ऐप के ऊपर स्विच हो जाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। जैसा कि यहाँ पे आपको पूरा ऐप शो हो रहा होगा, तो यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करना है, देन आपको सबसे लास्ट में हेल्प डेस्क नाम का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर हम जाएंगे। यहाँ पर आपको सारे आपके जितनी भी इंक्वायरी होती है सब ड्रीम इलेवन के अंदर आपको पहले से मिल जाती है, तो यहाँ पर आप मतलब आपकी कोई भी इंक्वायरी होती है यहाँ पर आप चेकआउट एक बार कर सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फोर्थ ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जो कि है माय बैलेंस का, जिसमें विनिंग, विड्रॉ, डिपॉजिट और बाकी सारी चीजें आती है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले आ जाएगा कि डिपॉजिट आ रहा है, फिर विड्रॉ आ रहा है, यहाँ पे कैश बोनस आ रहा है, विनिंग आ रहा है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें जो लास्ट का सेक्शन दिख रहा है विनिंग सेक्शन, इसके अंदर हम करेंगे टैक्स के ऊपर जो कि लास्ट से सेकंड लास्ट का ऑप्शन होगा। यहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ है कि आपका जो टैक्स होता है वो 30% कटने वाला है, कितने, 10,000 रुपए से ज्यादा के नेट प्रॉफिट पे, जो कि मैं आपको वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ कि नेट प्रॉफिट कैसे होता है। आप यहाँ पर खुद अगर पढ़ना चाहो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हो, यहाँ पर आपको मतलब सारी चीजें अच्छे से दिखाई हुई है। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर एक चीज और एक्स्ट्रा मतलब बताई हुई है जो मैंने आपको वीडियो में नहीं बताई, मैं आपको बता देता हूँ क्या है कि मान लो कि आप 1,000 रुपए का कोई भी कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हो और वहां पर क्या होता है कि आपने कोई ग्रैंड लीग को विन कर दिया, लेकिन हम फॉर एग्जांपल लेके चलते जैसे यहाँ पर बताया हुआ है कि वो 500 रुपए आपने वहां पे केस बोनस को यूज हुआ था, तो जब आपका जो अमाउंट कट होगा वो पूरा 1,000 रुपए माइनस नहीं होगा, वो आपका जो नेट प्रॉफिट होगा उसमें से वो 1,000 रुपए की जगह 500 माइनस होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका जो ज्वाइनिंग जो आपने जो डिपॉजिट अमाउंट का जो आपने ज्वाइनिंग लिया था वो सिर्फ 500 रुपए लिया था, 500 रुपए आपने यहाँ केस बोनस को यूज हुआ, तो जो केस बोनस होगा वो इंक्लूड नहीं होगा नेट प्रॉफिट के अंदर, वो एक्स्ट्रा माना जाएगा क्योंकि वो ड्रीम इलेवन की तरफ से होता है। तो यहाँ पर आपका जो एंट्री अमाउंट होगा वो 500 ही माना जाएगा, माना कि यहाँ पर आपने सिर्फ 1,000 रुपए की ज्वाइनिंग लेके 20,000 रुपए विन कर दिए, तो अब यहाँ पर आपको आप सोच रहे होंगे कि 1,000 रुपए की ज्वाइनिंग थी माइनस 20,000, तो 19,000 पे आपको टैक्स देना है। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर आपको जो टैक्स देना है वो देना है 19,500 रुपए, क्योंकि 500 रुपए यहाँ पर केस बोनस यूज हुआ था। तो कुल मिला के हमें एक बात समझ में आती है कि हमारा जितना भी नेट प्रॉफिट होता है उस नेट प्रॉफिट अगर वो 10,000 रुपए से ज्यादा है तो यहाँ पर हमें ड्रीम इलेवन के अंदर 30% का टीडीएस कट होता है, जिसका हमें सर्टिफिकेट भी मिलता है, जो अगर आप 3 महीने में अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर अभी भी आपका कोई डाउट या क्वेश्चन होता है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, और आपने अभी तक मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो नहीं किया तो मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, क्योंकि वहां मैं आपको ड्रीम इलेवन की फ्री टीमें प्रोवाइड करता हूं। और अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि इस तरीके की इंफॉर्मेशन से भरी वीडियो आपको मिलती रहे।